दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन। उसके लिए मैंने ये बचे हुए टुकड़े लिए हैं, नेट का कपड़ा है, और आज इसमें से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये पीस को लगा के हम डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं। बताती हूँ आपको इसकी कटिंग कैसे करनी है और स्टिच कैसे करना है। तो देखिए मैंने ये ब्लाउज भी कट कर लिया है, लाइनिंग भी कट कर लिया, दोनों पीस कट कर लिए, लेकिन डिजाइन हम पहले ब्लाउज पर डाल लेते हैं, उसी ड्राफ्ट को रख कर लाइनिंग पे सेट कर लेंगे। तो देखिए इस पीस को मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो देखिए जो ब्लाउज का डिजाइन बनाने वाली हूँ आज मैं, तो मैंने इस ब्लाउज का वीडियो भी अपलोड किया है। जी मैंने 60 सेंटीमीटर में 40 साइज का ब्लाउज बनाया, आप इसको 42 साइज तक का बना सकते हैं 60 सेंटीमीटर में। अब वो वीडियो जरूर देखें जिससे कि आप कम कपड़े में भी बड़ा साइज का ब्लाउज बना सकें। तो अभी मैं आपको डिजाइन के बारे में बताती हूँ। तो देखिए शोल्डर से हम 3 इंच ले रहे हैं, और ये पहले हम पूरा टोटल जो हम नेक लेने वाले हैं उसकी लंबाई ले लेते हैं। तो उसका हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए मैंने ये 13 इंच लिया है ऊपर से, उसके बाद हम इसमें डबल नेक आएगा, जो ऊपर का नेक है वो ओपन रहेगा, नीचे का वो है उसमें हम पैच डालने वाले हैं। तो देखिए ऊपर वाला मैं 7.5 इंच ले रही हूँ, तैयार में 7 इंच आएगा, 1/2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। और इसका भी हमने देखिए एक बॉक्स बना लिया है। तो पहले हम इस बॉक्स की गुलाई दे देते हैं। तो यहाँ से हमने सेम लेना है जितना हमने शोल्डर पर लिया 3 इंच, लेकिन नीचे से आके हमको थोड़ा सा ब्रॉड करना है। तो देखिए ये इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो देखिए ऊपर का नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो नीचे का नेक है तो हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं। जो बॉक्स हमारा देखिए 6 इंच के आसपास है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे कि कोई पैच आ जाएगा तो उसमें आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रॉड हो जाएगा उसकी बात नहीं है। और इसको मैं 1 इंच और आगे की तरफ ले रही हूँ। अभी हमको करना क्या है, जो हमारा ये नेक है यहाँ से हम इसको इंच आप देख लें, 1 इंच लिया है मैंने, 1 इंच से इस तरह से हम इसकी शेप देने वाले हैं, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, और यहाँ पे जो है इसको इस तरह से करने वाले हैं। देखिए मैंने मार्किंग कर ली है और सेम मार्किंग पे इसको कट कर देती हूँ। तो देखिए इसका जो डिजाइन है कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी जो हम नेट डालने वाले हैं उसको क्या करना है, इसको हम नेट को इस तरह से नीचे रखेंगे और इस पैच को हम इस तरह से सेट कर देंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, जो एक्स्ट्रा इसको तो हम कट कर देंगे, सेम शेप में इसको नेट को स्टिच कर देंगे। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, इस ड्राफ्ट को रख के हम कैनवास और नेक पट्टी तैयार करेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, और देखिए अभी सबसे आसान तरीका है, इसी पीस को हम रख के लाइनिंग पर सेट कर लेते हैं। तो देखिए ये लाइनिंग है, जो लाइनिंग था मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है, और इसको ड्राफ्ट पे ही मैं इसको कट कर देती हूँ। तो इसको हम हटा देते हैं। अभी जो ड्राफ्ट बनाया हमने इसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच ले लेते हैं, और इसी ड्राफ्ट रख के कैनवास करूंगी, उसकी चौड़ाई 1 इंच। तो देखिए जो मैंने ड्राफ्ट कट किया था उसको मैंने लाइनिंग पे देखिए इस तरह से पूरा सेट कर लिया है, और अभी इसको सेम शेप में इसको कटिंग कर देती हूँ। कि मैंने ये कट कर दिया है, अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। हमने जो कैनवास कट किया है उसको सेट करते हैं, पहले इस कैनवास को सेट कर देते हैं। तो नीचे मैंने वो पट्टी रख ली है, ऊपर कैनवास रखा है, और इसको आपको क्या करना है, हमने जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो कपड़ा, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह चारों तरफ से सिलाई डाल देंगे।
मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया है। अभी हम ब्लाउज पे अटैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से इस तरह से सेट कर लें और इसी तरह से पूरा इसको शेप में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया। अभी हमको क्या करना है, इसको इस तरह से पलट देना है और जो ये पॉइंट है इनको भी हम इस तरह से पलट देंगे। जब पलट जाएगा तो इसके किनारे पे एक सिलाई डाल देंगे जिससे कि हमारा नेक पूरा तरह से सेट हो जाएगा। ये पूरा मैंने सेट कर दिया नेक। अभी हम प्लेट डाल देते हैं जैसे कि नॉर्मल डालते हैं। तो इस तरह से सेंटर पार्ट हमारा ये है, यहाँ से हम ले लेते हैं 4 इंच बाद में से और 5 इंच लंबी प्लेट डालते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड में प्लेट डाल दी है और ये नेट जो लिया था मैंने देखिए यहाँ पे ऐसे नीचे रख दिया है। अगर आप नेट नहीं डालना चाहते हैं, ओनली ये नेक शेप बनाना चाहते हैं, तो सेम शेप बना के आप यहाँ पे थ्रेड डाल सकते हैं या फिर एक लंबा थ्रेड डाल के और नीचे टसन भी लटका सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो मैं इसमें नेट का पैच लगाने वाली हूँ। तो देखिए नेट मैंने इस तरह से सेट कर लिया है और अभी हम इसको पिन से सेट कर लेते हैं जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट हमारी स्टिच हो सकेगी। तो देखिए मैंने ये सेट कर लिया है। अभी हमको क्या करना है, जो एक एक्स्ट्रा क्लॉथ दिख रहा है उसको हम कट कर देते हैं। अभी हमने सेट कर लिया है और सेम पिन की सेट पे जो किया है उसी पे हम स्टिचिंग डालते हैं। देखिए मैंने ये लेस ली है, पैच हमारा तैयार हो चुका है और इस लेस को मैं पहले जो हमारा ये शेप है इस शेप में स्टिच कर देती हूँ पूरा। ये मैंने स्टिच कर दिया। अभी यहाँ पे भी सेकंड सिलाई डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा ये नेक है इस नेक में भी हम इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ से हम टर्न ले लेंगे और जो ये हमारा पैच है तो इस तरह से आ जाएगा इस पैच के ऊपर से। तो अभी हम इसको स्टिच करते हैं। तो देखिए हमारा ये नेक पूरा तैयार हो गया, डबल स्टिच डाल दिए तो कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर से नेक डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। अगर आप डिजाइनर स्लिप बनाना चाहते हैं तो सेम पैच लगा के डिजाइनर स्लिप भी बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।